इस वीडियो में हम राइमिंग वर्ड्स से मुतालिक एक्सरसाइजेस करेंगे। चलिए मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। लुक एट द पिक्चर्स एंड जॉइन द ऑब्जेक्ट्स दैट राइम। लुक देखिए, एट को द पिक्चर्स तस्वीर एंड और जॉइन मिलाइए the objects चीज़ों को that जो के rhyme करते हों, यानी हम आवाज हों। look at the pictures and join the objects that rhyme, यानी तस्वीर को देखिए और उन चीज़ों को आपस में मिलाइए जो के हम आवाज हैं। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं, तस्वीर को देखिए और हम आवाज चीजों को आपस में मिलाइए। यहाँ राइमिंग वर्ड्स या हम आवाज अल्फाज या फिर चीजों के नाम वो हैं जो के जिनके आखिर की आवाज बिल्कुल एक जैसी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो अल्फाज या नाम ऐसे हैं कि जिनके आखिर में बिल्कुल एक जैसी आवाज आ रही हो तो हम कहेंगे कि वो आपस में राइम करते हैं। चलिए सबसे पहले मिलकर देखते हैं कि इन तस्वीर में क्या चीजें बनी हुई हैं। सबसे पहली तस्वीर में क्या नजर आ रहा है, ये है मून यानी चांद। इसके बाद है मैन यानी आदमी, और ये है की यानी चाबी। इसके बाद है हेन यानी मुर्गी, और फिर ब्लॉक यानी लकड़ी का चकोर टुकड़ा, और फिर है पिन। इसके बाद फैन यानी पंखा, और फिर डस्टबिन यानी कूड़ादान। इसके बाद है क्लॉक यानी घड़ी, और फिर स्पून यानी चम्मच, और ये है हनी बी यानी शहद की मक्खी। इसके बाद है पेन यानी कलम। तो यहाँ हमारे पास दो रोज हैं, यानी ये दो कतारें सी हैं या लाइनें हैं। हमने ऊपर की लाइन में या रो में जो चीजें हैं, तस्वीर हैं, इनमें से हर एक तस्वीर में बनी हुई चीज के नाम को पढ़कर नीचे वाली रो में से उससे उसका राइमिंग वर्ड तलाश करना है और फिर उन दोनों को आपस में मिलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली तस्वीर में बना है मून। अब मैं दूसरे रो में बनी हुई चीजों के नाम बोलूंगी। जो ही आपको कोई ऐसा नाम सुनाई दे जिसके आखिर में ऊन की आवाज हो, यानी वो मून के लफ्ज से राइम कर रहा हो, तो आपने स्टॉप कहना है। शुरू करते हैं, रेडी रहिए। फैन, डस्टबिन, क्लॉक, स्पून, स्टॉप, बिल्कुल ठीक। स्पून के लफ्ज के आखिर में क्या आवाज है, ऊन की आवाज है जो कि मून के लफ्ज के आखिर की आवाज से बिल्कुल मिलती जुलती है, बिल्कुल एक जैसी हैं ये दोनों आवाजें। तो इसका मतलब है मून का लफ्ज स्पून के लफ्ज के साथ राइम कर रहा है। तो हमने इन दोनों तस्वीर को आपस में मिला दिया क्योंकि इनके नाम आपस में क्या करते हैं, राइम करते हैं। अब चलते हैं अगली तस्वीर की तरफ, ये है मैन। अब हमने ऐसा लफ्ज तलाश करना है जिसके आखिर में एन की आवाज हो। आप रेडी रहिए। पहली तस्वीर में बना है फैन, स्टॉप, बिल्कुल ठीक। फैन के आखिर में क्या आवाज है, एन की आवाज जो कि मैन के लफ्ज के आखिर में भी आती है। तो ये दोनों आपस में राइम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हें आपस में मिला देंगे। अगली तस्वीर में क्या बना है, ये है की। तो अब हमने वो कौन सा लफ्ज तलाश करना है जिसके आखिर में क्या होगा, ई की आवाज, बिल्कुल ठीक। आप रेडी रहिए, मैं शुरू करती हूँ। फैन, डस्टबिन, क्लॉक, और फिर स्पून, इसके बाद
बी या फिर हनी बी। स्टॉप, बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसके आखिर में क्या है, ई की आवाज जो कि की के आखिर में भी है, ये आपस में राइम करते हैं, तो इसलिए हमने इन्हें मिला दिया। अब चलते हैं अगली तस्वीर की जानेब। इसमें क्या बना है, ये है एक हैन, इसके आखिर में है एन की आवाज। तो अब हमने वो कौन सा लफ्ज तलाश करना है जिसके आखिर में होगी एन की आवाज। आप रेडी रहिए, आपने स्टॉप कहना है। फैन, डस्टबिन, क्लॉक, स्पून, हनी बी, पेन। स्टॉप, बिल्कुल ठीक। तो हैन और पेन के अल्फाज भी आपस में राइम करते हैं। इसके बाद है ब्लॉक। अब हमने वो कौन सी तस्वीर ढूंढनी है कि जिसमें बनी हुई चीज के नाम के आखिर में क्या आवाज होनी चाहिए, ऑक की आवाज। बिल्कुल ठीक, शुरू करते हैं, आप रेडी रहिए, आपने स्टॉप कहना होगा। फैन, डस्टबिन, क्लॉक, स्टॉप, बिल्कुल ठीक। ब्लॉक और क्लॉक के आखिर में क्या आवाज है, ऑक की आवाज। तो ये करते हैं आपस में राइम, इसलिए हमने इन दोनों को आपस में मिला दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, ये है पिन, और इस तरफ हमारे पास क्या बचा है, बिन। ये दोनों भी आपस में राइम करते हैं, तो अब हमने इन दोनों को भी मिला दिया और इस तरह ये मश्क मुकम्मल हो गई। चलिए अब हम राइमिंग वर्ड्स से मुतालिक एक और मश्क करते हैं, मिलकर पढ़ते हैं। हमें क्या करना है, मैच द वर्ड्स दैट राइम। मैच, मिलाइए द वर्ड्स, अल्फाज दैट जो के राइम यानी हम आवाज हैं। मैच द वर्ड्स दैट राइम यानी हम आवाज अल्फाज को आपस में मिलाइए। तो अब की बार जैसे कि हमने पहले तस्वीर को आपस में मिलाया था, अब हम अल्फाज को, इन दिए गए वर्ड्स को आपस में मिलाएंगे। और किन अल्फाज को मिलाया जाएगा जो कि आपस में राइम करते हों, यानी उनके आखिर की आवाज बिल्कुल एक जैसी हो। तो चलिए सबसे पहले मिलकर इन अल्फाज को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस पहले कॉलम में जो अल्फाज दिए गए हैं इन्हें पढ़ेंगे। पहला लफ्ज है, आप भी पढ़िए, मैन। इसके बाद की, कैट, मून, बिन, चेयर, ब्लॉक और फिर हैन। मैन यानी आदमी, की यानी चाबी, कैट यानी बिल्ली, मून यानी चांद, बिन यानी कूड़ादान, चेयर यानी कुर्सी, ब्लॉक यानी लकड़ी का चकोर टुकड़ा, हैन यानी मुर्गी। अब हम दूसरे कॉलम के अल्फाज को मिलकर पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, बी, पेन, कॉक, फैन, पेन, हैट, स्पून, बेर। बी यानी मक्खी, जैसे कि शहद की मक्खी। पिन, इसे उर्दू में भी और इंग्लिश दोनों जबानों में पिन ही कहा जाता है, जैसे कि सुई होती है, नोकदार चीज को पिन कहते हैं। कॉक यानी मुर्गा, फैन यानी पंखा, पेन यानी कलम, हैट जिसे सर पे पहना जाता है, टोपी नुमा चीज होती है, स्पून यानी चम्मच, बेर यानी रीछ या भालू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कॉलम में सबसे पहला लफ्ज क्या है, मैन। अब हमने दूसरे कॉलम में से एक ऐसा लफ्ज तलाश करना है कि जिसके आखिर में आएगी एन की आवाज, ताकि हम इस लफ्ज को उस दूसरे लफ्ज से मिला सकें। हमने राइमिंग वर्ड्स को आपस में मिलाना है। चलिए अब मैं दूसरे कॉलम के अल्फाज को पढ़ना शुरू करती हूँ। जो ही आपको कोई ऐसा लफ्ज सुनाई दे कि जिसके आखिर में एन की आवाज हो, तो आपने क्या कहना है, बिल्कुल ठीक, आप कहेंगे स्टॉप। रेडी रहिए, शुरू करते हैं। बी, पेन, कॉक, फैन। स्टॉप, बिल्कुल ठीक। मैन, फैन, ये दोनों क्या करते हैं, राइम, ये है हम आवाज अल्फाज, इन्हें हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। अगला लफ्ज है की। अब हमने इसका
राइमिंग वर्ड तलाश करना है इस दूसरे कॉलम में से। आप रेडी रहिए स्टॉप कहने के लिए। बी, पिन, कॉक, फैन, पेन। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, आपने बी के लफ्ज पर स्टॉप कहा था, क्योंकि बी का लफ्ज की से राइम करता है, तो हम की को बी के साथ मिला देंगे। अब बारी है कैट की। अब हमने वो कौन सा लफ्ज तलाश करना है जिसके आखिर में होगी एट की आवाज। बिल्कुल ठीक, तो रेडी रहिए। बी, पिन, कॉक, फैन, पेन, हैट। स्टॉप, बिल्कुल ठीक, कैट और हैट क्या करते हैं, आपस में राइम करते हैं, तो हमने इन्हें भी मिला दिया। अब बारी है मून की। अब हमने तलाश करना है ऐसा लफ्ज जिसके आखिर में होगी ऊन की आवाज। आप रेडी रहिए, आपने स्टॉप कहना है। बी, पेन, कॉक, फैन, पेन, हैट, स्पून। स्टॉप, बिल्कुल ठीक, मून और स्पून आपस में राइम करते हैं, तो इन्हें भी मिला दिया। अब बारी है बिन की। रेडी रहिए। बी, पिन। स्टॉप, बिल्कुल ठीक, बिन और पिन राइम करते हैं। अब है चेयर की बारी। ऐसा लफ्ज तलाश करना है जिसके आखिर में होगी एयर की आवाज। रेडी रहिए। बी, पिन, कॉक, फैन, पेन, हैट, स्पून, बेयर। स्टॉप, चेयर और बेयर राइम करते हैं, इन्हें भी मिला दिया। अब बारी है ब्लॉक की। अब ऐसा लफ्ज तलाश करना है जिसके आखिर में होगी ऑक की आवाज। बी, पिन, कॉक, स्टॉप। ब्लॉक और कॉक राइम करते हैं। और अब बचा है हैन। तो इसके साथ जो लफ्ज राइम करेगा उसके आखिर में होनी चाहिए एन की आवाज। आप रेडी रहिए स्टॉप कहने के लिए। बी, पिन, कॉक, फैन, पेन। स्टॉप, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये हैं हम आवाज अल्फाज। और इस तरह से ये मशक भी मुकम्मल हो गई। अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और राइमिंग वर्ड्स को सीखने की कोशिश जारी रखिए।